हरियाणा सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर लिया बड़ा फैसला। अब प्लास्टिक की बोतल में नहीं बिकेगी शराब। जी हां, हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि 1 मार्च 2024 से प्रदेश में देसी शराब को प्लास्टिक की बोतल में नहीं बेचा जाएगा और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य होगा। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक्साइज टैक्स को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार को साल 2019-20 में एक्साइज टैक्स 6,361 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ था, जबकि पिछले साल 2023 में जुलाई तक 9,687 करोड़ रुपए टैक्स मिला। वही इस बार 28 जनवरी 2024 तक ही एक्साइज टैक्स 9,232 करोड़ रुपए सरकार को मिल चुका है। फिलहाल अब आप खुद सुनिए कि दुष्यंत चौटाला ने प्लास्टिक की बोतल में देसी शराब पर बैन लगाते हुए क्या कुछ कहा। जो हमारा एक्साइज कलेक्शन था 2019-20 का 6,361 करोड़ था, पिछले वर्ष के कंक्लूशन में ये 9,687 करोड़ था, जो कि जुलाई में जाकर कंक्लूड हुआ था एक्साइज ये। और मैं खुशी के साथ कह सकता हूँ कि 28-1-24 तक इस वर्ष में हमारी जो एक्साइज कलेक्शन है वो 9,232 करोड़ है, और इस वित्त वर्ष के अंदर हम अपना जो टारगेट 10,500 का था उसको भी क्रॉस कर 11,500 करोड़ से ज़्यादा एक्साइज कलेक्शन प्रदेश भर में कर पाएंगे। और इसके अंदर एक कदम जो देश में किसी भी प्रदेश में नहीं उठा है उसको हरियाणा प्रदेश प्राथमिकता के साथ लेके चल रहा है कि हमने पूरी तौर पर 29 फरवरी के बाद प्लास्टिक बॉटल्स पर हरियाणा प्रदेश में बैन लगा दिया। तो जो कंट्री लिकर पेट बॉटल्स में बिका करती थी प्लास्टिक की, उसके ऊपर भी पूरी तरह अब बंदिश लगाई गई है।